अभी पानी लगाना हमने शुरू कर दिया जी, ये फिल्टर वाला पानी हमने लगाना शुरू कर दिया है। क्या जी, तो अभी हालत हमारी फुल टाइट हो गई है जी। सुबह आए थे हम तकरीबन 9 बजे या 9:30 बजे हम आए थे, तो अभी इस वक्त 12:30 हो गए हैं जी। सबसे पहले अगर हमने ताज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान बेहजाद साजिद और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश हो आबाद रखे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अच्छा जी, तो आज के दिन का आगाज हो चुका है जी। थोड़ी थोड़ी पो फूट रही है जी, सूरज निकले की कोशिश कर रहा है। तो आप जो आपका भाई सुबह सुबह उठ गया है जी, तो इसी रूटीन को बेहतरीन करने के लिए आज आपके भाई ने जिम भी ज्वाइन कर लिया जी बड़े अरसे बाद। और क्योंकि यार सुबह जल्दी नहीं थे उठने हो रहा, रोज जो है ना लेट उठता था, जाके 12-1 बजे जाके उठता था, तो इसलिए आज जिम भी ज्वाइन कर लिया। इसी बहाने जो है जल्दी जल्दी उठ जाया करूँगा सुबह सुबह, नमाज पढ़ के वैसे अक्सर ज़्यादातर सो जाया करता था सुबह सुबह, तो फिर तो काम फिट हो जाएगा। तो अभी हम निकलने लगे हैं जी, तो अली भाई भी आ गए हैं तैयार श्यार हो गए, तो अभी हम निकलने लगे हैं, तो फिर मुलाकात होती है। अच्छा जी, तो अभी टाइम हो गया तकरीबन 9:30 का, तो तैयब साहब अभी हम किधर जा रहे हैं? अभी हम जो पौधे लगाए थे उनको सेट मेट करने के। ओके ठीक हो गया जी, पानी भी लगाएंगे और साथ जो है ना उनको दबाएंगे। पानी की जरूरत है, पानी लगा देंगे वरना सेट सेट करके तो आ जाएंगे। पठान ने बोला था कि वो जो है ना बूटे हिल गए हैं अपनी जगह से, जब सूखेंगे उनको दबाना सही तरह करके। ठीक है जी, तो अभी इधर काम ही हम हो रहा है जी। काम हमारा आज ये है कि ये पौधा ना ये हिला हुआ है, तो इसके साथ साथ हम मिट्टी डाल रहे हैं ताकि ये टाइट हो जाए और कामयाब हो जाए। क्यों शुभाष साहब, यही बात है? यही बात है। तो ये भी भाई जान लगे हुए हैं जी, ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी साथ रख रहे हैं और मैं प्रेस करता जा रहा हूँ। तो अभी हम अपना काम शुरू करते हैं जी, जारी रखते हैं। अभी हुई भी है जी हमारी ब्रेक, ये ड्रिंक ब्रेक हुई भी है। तो मौसम बड़ा प्यारा हो गया जी, चस वाला हो गया, सही काम वाला। पहले आए थे जब उस वक्त गर्मी थी, पसीना आना शुरू हो गया था, लेकिन अभी चस वाला मौसम हो गया जी, बादल वगैरह बन गए हैं। ओए होए होए, आ जाए जी, आ जाए भाई, आ जाए बाहर को आपको, आए हाय हाय, चस वाला मौसम है जी। अभी पानी लगाना हमने शुरू कर दिया जी, ये फिल्टर वाला पानी हमने लगाना शुरू कर दिया है। अबे बड़ी उम्मीद थी कि बारिश हो जाएगी, लेकिन अभी दोबारा से जो है ना धूप निकल आई है जी, सही तेज धूप। तो अभी फिर जो है ना हम पानी लगाना पड़ गया जी हमें। हाँ जी, सदा से लोटी 50 रुपए दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। क्या बोला तूने पहले, क्या बोला? चल चलो। क्या जी, तो अभी हालत हमारी फुल टाइट हो गई है जी। सुबह आए थे हम तकरीबन 9 बजे या 9:30 बजे हम आए थे, तो अभी इस वक्त 12:30 हो गए हैं जी। सबसे पहले अगर हमने ताज़ा मिट्टी डाली है इनको पौधों को, फिर प्रेस किया है, तो अभी आखिर में जो है ना पानी वगैरह डाला है। तो अभी हम निकल रहे हैं जी घर की तरफ, तो बिल्कुल जो है ना बस हो गई है। क्या सूरत हाल है जी आपकी? बस हो गया, बस आप खाना खिला। आप क्या शुवार, बस हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं जी आप? खाना खाना खिला देना है जी। जी खाना खिलाते हैं ना आपको, खाना खिला दे, इतने के वे पौधे नहीं है जितने मैं आपको खाना खिला दूँ। चलें कुछ करते हैं, आले निकालते हैं आपका। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है जी, चिप्स बनाने हैं, तो ये आलू काटे हैं अपने लिए। तो आपने तो नहीं खाने? मैंने नहीं खाने। तो ये यार मैंने वो घर साधा बना हुआ आलू मटर, तो इसलिए ये साथ ही काट लिए, जो निजाम ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ठीक है, मैं कुछ और खाऊंगा। हाँ जी खाना, क्या सीन है? सीन ये है कि घंटा हो गया इधर खड़ी हूँ। तो फिर क्या है? ब्रेक ही लगाई हुई है। कोई बात नहीं यार। अच्छा जी, तो अभी सीन ये है कि टाइम हो गया तकरीबन 4 हो गए हैं, तो इन भाईजान ने दोपहर का जो है ना खाना नहीं खाया हुआ, तो
मैं तो फुल खैर खाना वगैरह मैंने खा लिया था, तो जो कसर थी वो चिप्स खा लिए थे, तो मैं फुल टैट हूँ इस वक्त। तो इन भाई जान ने यार शोर डाला हुआ है कब का कि मैंने खाना है तो खाना है तो पिज्जा ही खाना है। तो फिर यार क्या हो सकता है यार, इसको फिर सॉस लेकर जाना पड़ता है। तो चलें चलो यार, तुम भी जा रहे हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फुल हूँ बिल्कुल। टोपी तो तुम ऐसे पहना है जैसे तुम बहुत बड़े मुल्की हो। यार टोपी इसलिए पहना है मैंने क्योंकि बाल खराब हो जाता है इस वजह से। तो खबीब भी बने हुए हो आज तुम। देखे जी इधर माल्टी शाल्टे लगे हुए खत्म हो गई है, सीजन आउट हो गया माल्टी का। तो ये मुझे मुर्गा बहुत पसंद है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अभी इधर ले आए जी बच्चे को पिज्जा खिलाने के लिए, तो ऑर्डर वगैरह हमने दे दिया जी। ओली भाई को साथ ले आया था क्योंकि तैयब की साथ हेल्प कर देंगे, मुझे तो भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑर्डर हमारा हो गया जी, एक ये और साथ है एक पिज्जा आ जाएगा। तो ठीक है जी, खुश हो तुम, खुश होने चाहिए, तुमने बड़ा जो है जलील किया हुआ आज। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। न्यू ओपनिंग हुई थी कोई हफ्ता डेढ़ हो गया, और ये जो गुब्बारे लगे हुए ना इनकी इतनी स्मेल अभी जा रही है ना, कोई साफ भी नहीं है। यही बात है ली जी, बिल्कुल यही बात। आप तो ये तो अली तो भागने लगा था जी, पर एक दो मिनट के लिए मैं मैंने जा रहा हूं बाहर रोका हुआ है, तो अभी बाहर जाकर बैठेंगे। तो अभी हम बैठे हुए हैं जी बाहर, सही ओपन माहौल में, सही चस वाला मौसम है जी, ठंडी ठंडी हवा हो रही है, तो बड़ा प्यारा व्यू है इधर, व्यू व्यू। तो ये भाई जान को गुब्बारों की जो है ना स्मेल इतनी चढ़ गई है, बाहर आके बैठ गए हैं। इस तरह तो यार मम्मी डैडी भी नहीं करते जिस तरह पेंडू को के कर रहे हो। यार मम्मी डैडी खाते हैं गंद बला सारा कुछ। अच्छा हम वो नहीं खाते इस वजह से गुब्बारों की स्मेल बहुत ज्यादा है, इस वजह से बाहर आ। ठीक हो गया। और जी आप क्या कहना चाहेंगे, कोई रोशनी डाले हमारे ब्लॉग में, ये बादल है। तो दोनों खाना शुरू हो गया जी, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे भूख नहीं है। तो तैयब साहब कैसा टेस्ट है, फिट है, ठीक है, खाएं खाएं। वाह क्या। अच्छा जी तो खाना शाना हो गया, तो आगे सीन अभी कुछ ये है कि नमाज असर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के हम निकलेंगे आगे। आज जो टूर्नामेंट हो रहा था फुटबॉल का हमारे गांव के साथ जो गांव है उधर, तो फुटबॉल का टूर्नामेंट का आज फाइनल है जी मैच, वो भी हमने देखना है। नमाज पढ़ते हुए हम उधर सीधे चले जाएंगे फुटबॉल के मैच पे, तो निकलते हैं अभी। अभी फुटबॉल के ग्राउंड में मिलते हैं हम। ओ ये अभी हम ग्राउंड में एंटर हो रहे हैं जी, तो ये रश देखें जी कितना ज्यादा। तो इधर ये कुछ सीन है, दोनों टीमों ने एक एक गोल भी नहीं किया जी, दो हाफ कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी एक्स्ट्रा टाइम देंगे इनको। तो ये जो चिनार वाले हैं ना गोरसियां वाले, इन्होंने शनाइयां वगैरह भी लाई हुई हैं जी, अगर ये जीतेंगे तो जश्न वगैरह करेंगे। तो फिलहाल 0-0 है दोनों टीमों के, तो आगे देखते हैं क्या बनता है एक्स्ट्रा टाइम में। ये सीन है जी अभी है 0-0 पे, इन्होंने पहले काम शुरू कर दिया है, शुरू है। ना वो काम खराब हो जाए। तो अभी काम आ गया जी प्लेटियों पे, तो अभी देखते हैं जी क्या कुछ बनता है। तो अभी अंधेरा हो गया जी बाहर, तो उधर मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर सका क्योंकि उधर मैच जो है प्लेंटी पे चला गया था जी, तो प्लेंटी की मैं वीडियो बनाने लग पड़ा था जी, तो प्लेंटी की वीडियो इसमें अपलोड नहीं होगी क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाती है, तो वो वीडियो कल आएगी। अगर आपको शौक है थोड़ा बहुत वॉलीबॉल का जो सॉरी फुटबॉल का, तो कल प्लेंटी वाली वीडियो मैं अपलोड करूंगा जी, कल फिर ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। तो आज के ब्लॉग करते हैं खत्म जी, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।